हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज रोज की तरह। आज का क्वेश्चन कुछ स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी से रिलेटेड होंगे शुरुआत में, और बाद में आपने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड होंगे, क्योंकि सांख्यिकी आप बहुत कम पढ़े हैं फिजिकल एजुकेशन में, तो भी आपको समझ में आ जाएंगी सभी चीज़ें। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। तो दोस्तों, हरिवंश राय जी का एक कविता है, उन्होंने कहा है कि तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मोड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, शरीर थक जाए बट मन कभी न थके। तो अपने मन को कभी मत थकाइए, शरीर थक जाए तो आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, पुनः ऊर्जावान हो जाएंगे, लेकिन मन को हमेशा तरोताजा रखिए, मन कुछ करने के लिए हर पल तैयार रहे। इसी जोश के साथ आज के क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी रेडी हो जाइए। क्वेश्चन है दोस्तों, शोध उपकरण के मापन के संदर्भ में निम्न सार्थक है। तो कोई भी शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके मापन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर घर राइट हो जाएगा, प्राप्त विश्वसनीयता तथा पर्याप्त वैधता दोनों होना चाहिए, यानी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबल मतलब विश्वसनीय होना चाहिए, बार बार परीक्षण करने पर भी हर बार परिणाम एक आना चाहिए। वैधता मतलब जिस लिए बनाया गया है कोई चीज मापने के लिए वही मापे, ना कि कोई और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1961 में छठा अखिल भारतीय प्रशिक्षण महाविद्यालय संघ का अधिवेशन कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बंगलौर में। नेक्स्ट है, शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र निर्धारित करने हेतु 1969 में UGC यानी यूनाइटेड यूनियन ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के UGC के तत्वावधान में विचार गोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बूच द्वारा संपादित 1974 में प्रकाशित शिक्षा के अनुसंधान वाले सर्वेक्षण ग्रंथ में शैक्षिक अनुसंधान के कितने क्षेत्र बताए गए हैं? तो 16 क्षेत्र बताए गए हैं। 15-20 क्वेश्चन दोस्तों, शुरुआत के 10-15 क्वेश्चन इसी तरह के हैं। नेक्स्ट है, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अनुसंधान का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार में से किस प्रकार का किया गया है? तो यह मूलभूत, व्यवहत व प्रयोगात्मक अनुसंधान प्रकार का किया गया है। नेक्स्ट है, एडवर्ड एवं क्राम बैक के शोध वर्गीकरण में सही वर्गीकरण है? तो सही वर्गीकरण है सर्वे, प्रविधि, व्यवहत, आलोचनात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट है, मौलिक अनुसंधान की अवधारणा के बारे में किस मौलिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नवीन रचनाओं का निर्माण करना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों एंड्रियास का। किसका है? एंड्रियास का। जैसे कि यह कथन जल्दी से याद नहीं होते हैं, फिर भी आप अच्छे ढंग से देख लीजिए, अच्छे ढंग से देखा रहता है तो कभी कभी क्वेश्चन राइट हो जाता है, क्योंकि परिभाषा बहुत सारे याद करना आसान नहीं है।
मैं उसे शिक्षा क्षेत्र में कक्षा शिक्षा विद्यालय प्रबंधन को प्रबंध को समस्याओं का उचित समाधान करने हेतु उपयुक्त शोध विधि है। शिक्षा क्षेत्र में कक्षा शिक्षा विद्यालय प्रबंध को समस्याओं का उचित समाधान करने हेतु उपयुक्त शोध विधि है तो वह है व्यवहत अनुसंधान, व्यवहारत अनुसंधान विधि है। नेक्स्ट है क्रिया शोध का विकल्प माना जाता है, तो क्रिया शोध, क्रिया को शोध का विकल्प कब माना गया है तो 1926 में। नेक्स्ट है अनुसंधान के सोपानों में प्रथम सोपान क्या होता है, दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में आपने जाना है समस्या का चयन। किसी भी अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए वस्तु घटना होना चाहिए या पहला स्थान पर, तो प्रथम सोपान यानी कि समस्या का चयन, समस्या होना चाहिए। जैसे कि कहा गया है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, कोई समस्या होगी आपको, कोई आवश्यकता होगा तभी आप उस पर रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध तथा मौलिक शोध में न्यायदर्श चयन के संबंध में मुख्य अंतर है। न्यायदर्श क्या होता है पिछले वीडियो में आपने समझा है, तो क्रियात्मक शोध तथा मौलिक शोध में न्यायदर्श चयन के संबंध में मुख्य अंतर क्या है, तो यहां पे क है आपका राइट कि क्रिया शोध में न्यायदर्श चयन की समस्या नहीं है, जबकि मौलिक शोध में समस्या कठिन होती है एवं जनसंख्या में शुद्ध न्यायदर्श होता है। नेक्स्ट है शिक्षा अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षा की समस्याओं का समाधान करके उनमें योगदान करना है, जिसमें वैज्ञानिक विधि, दार्शनिक विधि तथा चिंतन का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा अनुसंधान का यह उद्देश्य किसने बताया, तो इसको बताया है H.L. Mitney ने। किसने बताया है? H.L. Mitney ने। नेक्स्ट है शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप में बौद्धिक ढंग से विधिक प्रयोग तथा अधोपन को अनुसंधान कहते हैं। इसके विपरीत यदि किसी व्यवस्थित अध्ययन द्वारा शिक्षा में विकास किया जाए तो उसे शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? इस परिभाषा को दिया है जॉर्ज जे मूले ने। नेक्स्ट है परिकल्पना संभावित माना हुआ समस्या का हल होता है, जिसकी व्याख्या उस परिस्थिति से निरीक्षण के आधार पर की जा सकती है। यह किसने कहा है? इस बात को कहा है जेम्स ई ग्रीटन ने। नेक्स्ट है शैक्षिक अनुसंधान की समस्याएं कितने प्रकार की हैं, तो सैद्धांतिक हैं, व्यवहारिक हैं, ऐतिहासिक हैं, ये सभी प्रकार की उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समस्या को परिभाषित करने का अर्थ है कि उसे विस्तृत रूप से और ठीक प्रकार से सुनिश्चित किया जाए। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों W.S. Munro का। नेक्स्ट है गुड बार तथा स्केट ने शैक्षिक अनुसंधान के कितने स्रोत माने हैं, तो गुड बार तथा स्केट ने शैक्षिक अनुसंधान के 7 स्रोत माने हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक अनुसंधान की समस्या के 4 स्रोत हैं, ऐतिहासिक, अभिलेख, अंधकारपूर्ण क्षेत्र, निष्कर्ष न जाते गए क्षेत्र तथा से संबंधित गोष्ठी। यह किसका मत है? यह मत है J.C. Alma का। नेक्स्ट है समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य अथवा विवरण है जिसमें 2 या 2 से अधिक चल राशियों में यह संबंध ज्ञात किया जाता है। किसने कहा है? तो इस बात को कहे हैं फेड एन कार्लिगर ने। नेक्स्ट है
समस्या तो समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है या समस्या तो समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न है, यह कथन किसने कहा है? तो जॉन सी टॉरेनसेंड ने। नेक्स्ट है कि न्यायदर्श चयन की प्रमुख विधियां क्या हैं? न्यायदर्श यानी सैंपल क्या है दोस्तों? इसकी विधियां जैसे सैंपल यानी कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि मान लीजिए आपको किसी प्रदेश की पूरी जनसंख्या की लंबाई चौड़ाई या तो कोई चीज मेजर करना है, ज्ञात करना है, तो आप पूरी जनसंख्या के एक एक करके जाके आप उसकी लंबाई ऊंचाई तो मापेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, उसमें से 2000 जनसंख्या या 1000 कुछ सैंपल ले लेंगे, उसमें से औसत निकालेंगे कि इतना बच्चे ए है, 2000 में से इतना बच्चे ऐसे हैं, फिर उसी आधार पर पूरे प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें से आप औसत निकाल लेंगे। उसी को कहते हैं जो हमने उस पूरे प्रदेश की जनसंख्या में से 2000 बच्चों को चुना है वही न्यायदर्श होता है। इससे समय की बचत भी होती है, धन की भी बचत होती है एंड अधिक सत्यता भी होता है, रिलेबल भी होता है। तो न्यायदर्श चयन की प्रमुख विधियां क्या हैं? तो दोस्तों क्रमित न्यायदर्श, क्रमबद्ध होना चाहिए, वर्गबद्ध होना चाहिए एंड बहुस्तरीय होना चाहिए, उपरोक्त सभी आपका राइट है। नेक्स्ट है अच्छे न्यायदर्श के क्या कारण हैं? तो दोस्तों अच्छा न्यायदर्श में स्पष्टता होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए, नमनीय यानी कि रेंडम होना चाहिए, उपरोक्त सभी यहां पर राइट होंगे। नेक्स्ट दोस्तों न्यायदर्श चयन का नाम है, तो न्यायदर्श चयन यानी सैंपलिंग से समय की भी बचत होती है, धन की भी बचत होती है, अधिक सत्यता का ज्ञान होता है, उपरोक्त सभी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है किस विद्वान ने सैंपल को संपूर्ण तथ्य का एक अंश माना है? तो संपूर्ण तथ्य का एक अंश होता ही है, पूरी जनसंख्या का एक अंश हम ले लेते हैं, उसी के आधार पर पूरे जनसंख्या का औसत मान निकालते हैं। तो दोस्तों ये सैंपल जो है संपूर्ण तथ्य का एक अंश है, ये किसने कहा है इस बात को कहे हैं WG कोकरन ने। नेक्स्ट है शैक्षिक अनुसंधान एजुकेशनल रिसर्च में जनसंख्या का क्या अर्थ है? तो दोस्तों जनसंख्या का अर्थ है जैसे कि हम सैंपल लेते हैं तो संपूर्ण इकाइयों का निरीक्षण, जनसंख्या का शैक्षिक अनुसंधान यानी कि एजुकेशनल रिसर्च में जनसंख्या का क्या अर्थ है, इसमें जनसंख्या का अर्थ है कि संपूर्ण इकाइयों का निरीक्षण। नेक्स्ट है प्रदत्तों यानी डाटा का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो डाटा का वर्गीकरण जो है स्पष्टता, स्थिरता, परिवर्तनशीलता इन सभी आधार पर किया जाता है, उपरोक्त सभी राइट होगा। नेक्स्ट है प्रथम एशियाई खेल कहाँ खेले गए थे? दोस्तों तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था एंड एशियन 1951 में नई दिल्ली भारत में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? भारत में। और एशियन खेल के पितामह कहे जाते हैं प्रोफेसर जीडी सुंधी, जिस प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय बैरन पियर डी कुबर्टिन को जाता है, आधुनिक ओलंपिक का पितामह बैरन पियर डी कुबर्टिन को कहा जाता है, उसी प्रकार एशियन खेल शुरू करने का श्रेय प्रोफेसर जीडी सुंधी को जाता है, इसलिए एशिया के पितामह कहे जाते हैं प्रोफेसर जीडी सुंधी। नेक्स्ट 2002 में एशियाई खेल कहाँ खेले गए थे? दोस्तों तो यह बुसान कोरिया में खेला गया था, ठीक है, बुसान के दक्षिण कोरिया में खेला गया था। जैसा कि दोस्तों 2018 में 18वां एशियाड खेल इंडोनेशिया के दो शहर जकार्ता और इंडोनेशिया में खेला गया था एंड 2022 का हुआंगजोउ चीन में खेला जाएगा, 2022 का अभी हुआ नहीं है किसी कारणवश, यह 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 को संपन्न होगा 19वां एशियन गेम। नेक्स्ट ओलंपिया शहर है, तो दोस्तों ओलंपिया शहर कहां पे है? यह ग्रीस में है, यूनान को ही ग्रीस कहा जाता है, तो ओलंपिया शहर कहां पे है? ग्रीस में है, ग्रीस के एथेंस शहर में। नेक्स्ट है ओलंपियाड सूचित करता है, तो दोस्तों ओलंपियाड क्या सूचित करता है? दो ओलंपिक्स के बीच की अवधि
को ओलंपियाड कहा जाता है। दोनों के बीच की अवधि कितनी होती है? 4 वर्ष। नेक्स्ट है ओलंपिक आदर्श वाक्य, फोर्टियस का अर्थ है। तो दोस्तों ओलंपिक आदर्श वाक्य को हेनरी डिरार ने दिया था। इसमें है सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, एक चौथा जुड़ गया है कम्युनेटर। तो क्या होगा? सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनेटर, यानी कि फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टूगेदर, यानी और तेज, और ऊंचा, और बलशाली, एक साथ चलना। तो सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, यानी सशक्तर, यानी कि स्ट्रांगर, स्ट्रांग यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट है ग्रीस में कौन सी जगह ऐसे स्थान के रूप में विकसित हुई जहां लोग शारीरिक क्रियाकलाप में संलग्न होते थे? तो वो था, कौन सी जगह ऐसे स्थान के रूप में विकसित हुई जहां लोग शारीरिक क्रियाकलाप में संलग्न होते थे? तो यहां पर होगा पैलेस्ट्रा दोस्तों। तो एक कुश्ती, जिम्नास्टिक, ये सब एक व्यायामशाला होता था। तो क्रियाकलाप करने का उस जगह को हम कहते थे पैलेस्ट्रा। क्या कहते थे? पैलेस्ट्रा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन से संगठन ओलंपिक खेलों में भारतीय टीमों की सहभागिता नियंत्रित करते हैं? तो वो है IOA, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी भारतीय ओलंपिक संघ जो है ओलंपिक खेलों में भारतीय टीमों की सहभागिता को नियंत्रित करती है, जिसकी स्थापना 1927 में हुआ था सर दुराबजी टाटा के निर्देशन में, और प्रथम अध्यक्ष भी सर दुराबजी टाटा ही हैं थे IOA के, एंड वर्तमान अध्यक्ष PT उषा है। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष 2010 में कौन था? तो 2010 में थे सुरेश कलमाड़ी, एंड अभी वर्तमान में है PT उषा। इसके पहले नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे। नेक्स्ट है भारत में खेलकूद के प्रशिक्षक को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? प्रशिक्षक यानी कोच को कौन दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप सबको पता है फील्ड हॉकी है। नेक्स्ट है केंद्रीय स्नायु मंडल यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उद्दीप्त यानी कि स्टिमुलेट्स करने वाली औषधि यानी दुर्गस यानी क्या है? ये डोपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। यह है आपका एम्फिटामाइन। क्या है? एम्फिटामाइन। एम्फिटामाइन स्टिमुलेट्स यानी कि उत्तेजक के रूप में आता है। उत्तेजक के रूप में आपका एम्फिटामाइन, कोकीन, कैफीन, एफेड्रिन, मिथाइन, एग्जामिनाइन, बीटा एगोनिस्ट आदि आते हैं। तो एम्फिटामाइन करता क्या है? यह इसको साइकोमोटर स्टिमुलेंट भी कहते हैं। इसकी संरचना एड्रेनालिन के समान होती है। ये एरोबिक एरोबिक टाइप यानी लंबे समय अवधि के खेलों में प्रयोग सहनशीलता को बढ़ाता है, देर से थकान होता है, भूख को मारता है, यानी भार से मोटापा घटाने के लिए प्रयोग होता है। भार से संबंधित खेलों के खिलाड़ी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो आदि। नेक्स्ट है रक्त में दुग्ध लवण यानी कि लैक्टिक एसिड वृद्धि का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब होगा वात निरपेक्ष। क्या होगा? वात निरपेक्ष, ठीक है। ऑक्सीजन तो होगा नहीं, वात निरपेक्ष यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगा। नेक्स्ट है हृदय नासिक यानी हार्ट और नर्वस की सहन क्षमता है। तो हृदय और नर्वस की सहन क्षमता क्या है? तो यह होगा वात सापेक्षी शक्ति, यानी कि यहां पे एरोबिक शक्ति की बात हो रही है। वात सापेक्षी शक्ति, वात निरपेक्षी होता तो अनएरोबिक की बात करता, उसमें लैक्टिक अम्ल जमता, बट वात सापेक्षी शक्ति यानी सहनशीलता की बात करा जा रहा है, एरोबिक क्षमता इसमें होगा। एरोबिक अनएरोबिक से बहुत सारे क्वेश्चंस भरमार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की अति वृद्धि ओवर ग्रोथ क्या है? तो अति वृद्धि
ओवरग्रोथ क्या है? तो यहां पे ग राइट हो जाएगा, निलय की दीवार में मोटाई का बढ़ना। जैसा कि बहुत लोग ख लगाए होंगे, प्रशिक्षण के कारण हृदय का आकार यानी आयतन बढ़ना, इसको एथलीट हर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशिक्षण के कारण या अभ्यास के कारण हृदय के आकार बढ़ना, उसको कहते हैं एथलीट हर्ट। और अति वृद्धि यहाँ पे हो रहा है, अति वृद्धि किसी चीज में अच्छा नहीं होता। हृदय की अति वृद्धि ओवर ग्रोथ क्या है कि निलय की दीवार में मोटाई का बढ़ना, ये होता है। नेक्स्ट है चिरकालिक खेल की क्षतियां यानी क्रोनिक स्पोर्ट एनर्जी इंजरी की चिकित्सा संबंधी जुगत का नाम बताइए। तो चिरकालिक यानी क्रोनिक स्पोर्ट इंजरी यानी कि जो पुराने यानी लंबे समय की चोटें हो गई, पुरानी चोटें हो गई हैं, उनकी चिकित्सा संबंधी जुगत का क्या करेंगे उसके लिए इस चारों ऑप्शन में, तो शॉर्ट वेव डायथर्मी का हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि डायथर्मी एक विद्युत चिकित्सा है जिसमें शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, माइक्रोवेव डायथर्मी होता है, जिसमें से हम क्रोनिक पुराने चोटों के लिए शॉर्ट वेव डायथर्मी का प्रयोग करेंगे। तो खेल चिकित्सा वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं सभी चिकित्सा विधियां, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, सभी प्रकार की विधियां आप देख सकते हैं, जल थेरेपी, क्रायोथेरेपी, बर्फ चिकित्सा, सभी चीजें डिटेल में दिया गया है। नेक्स्ट है हृदय के ऊपर दो प्रकोष्ठों के नाम हैं। तो दोस्तों हृदय के चार कक्ष हैं, ऊपर के दो कक्षों को हम कहते हैं आलिंद, नीचे के दो कक्षों को कहते हैं निलय यानी कि वेंट्रिकल, और ऊपर के दो कक्षों को आलिंद यानी कि आरटीएम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आसन नंबर घ हो जाएगा, आरटीएम यानी कि आलिंद आपका राइट होगा। नेक्स्ट है स्वैच्छिक पेशियां यानी वॉलंटरी मसल्स यानी कि रेखित पेशियां जिसे ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? इसका सही जवाब आपने दे दिया होगा, यह मस्तिष्क यानी ब्रेन के द्वारा संचालित होती है। यह हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती है इसलिए इसको स्वैच्छिक पेशियां कहते हैं, ये ब्रेन के द्वारा संचालित होती हैं। जबकि अनैच्छिक पेशियां और हृदय पेशियां वह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस द्वारा संचालित होती हैं, अपने आप संचालित होती रहती हैं, उसको ब्रेन का जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है धीमी मरोड़ यानी स्लो ट्विस्ट वाली पेशी का उदाहरण है। जैसे कि हमारी पेशी तंतु दो प्रकार की होती है, एक स्लो ट्विस्ट फाइबर जिसे व्हाइट मसल फाइबर कहते हैं, यानी दूसरा एक स्लो ट्विस्ट फाइबर जिसे रेड मसल फाइबर कहते हैं दोस्तों, एक फास्ट ट्विस्ट फाइबर जिसे व्हाइट मसल फाइबर कहते हैं। जो स्लो ट्विस्ट फाइबर यानी रेड मसल फाइबर होती है वह एरोबिक क्षमता यानी सहनशीलता वाले खेलों के लिए ज्यादा अच्छी होती है, एंड जो फास्ट ट्विस्ट फाइबर यानी कि व्हाइट मसल फाइबर होती है वह अनएरोबिक क्षमता यानी कम समय की क्रियाओं वाले तेज गति रफ्तार वाले क्रियाओं में ज्यादा एक्टिव रहता है। यहां पे पूछा है कि धीमी मरोड़ यानी स्लो ट्विस्ट वाली पेशियों का उदाहरण है। तो जैसे कि आप यहां पे इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा सोलियस, जो हमारे पैर की निचले पैर की मसल्स है जो दौड़ने के लिए मुख्य भूमिका अदा करती है, तो ये स्लो ट्विस्ट यानी कि सहनशीलता इसमें आएगा। तो यहां पे नेक्स्ट है तेज मरोड़ वाली यानी फास्ट ट्विस्ट का उदाहरण है। इसमें फास्ट ट्विस्ट जल्दी जल्दी संकुचन होने वाली इसमें कौन है? तो इसमें होगा मेडियल गैस्ट्रोनिमियस, मेडियल गैस्ट्रोनिमियस। जैसा कि मेडियल गैस्ट्रोनिमियस जो हमारे घुटने के नीचे के पीछे की जो मांसपेशी होती है उठा हुआ होता है जिसे गैस्ट्रोनिमियस, जिसे टेलर मसल कॉक मसल भी कहते हैं, तो यह दौड़ते समय सबसे ज्यादा प्रयोग होता है गैस्ट्रोनिमियस का। तो तेज रफ्तार कार्य करने में या कम समय की क्रियाओं में, स्पीड वाले क्रियाओं में फास्ट ट्विस्ट फाइबर का प्रयोग होता है, या मेडियल गैस्ट्रोनिमियस आपका राइट होगा। नेक्स्ट है कि शरीर में मांसपेशियों का प्रतिशत कितना होता है? तो पूरे बॉडी वेट का 45% भाग वाली पेशियों का होता है, यहाँ 45% नहीं दिया है तो 40% हो जाएगा। 45% में भी 40% वर्णी कंकाल पेशियों का होता है, रेखित पेशियों का, स्केलेटल मसल्स का।
नेक्स्ट है, यदि किसी बालक के माता पिता दोनों काले हैं तो बालक का रंग किस प्रकार का होगा? तो गोरा या काला दोनों हो सकता है कोई भी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बालक के शारीरिक लक्षण निम्न में से किन शारीरिक लक्षणों से निश्चित होते हैं? तो दोस्तों जो शारीरिक लक्षण होते हैं, पिता के लक्षण, माता के लक्षण, इन दोनों के शारीरिक लक्षण से निश्चित होते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव के शारीरिक लक्षण निम्न में से किन वाहकारों से निश्चित होते हैं? तो वह होता है समान वाहकारों यानी सेम वेसल एंड असमान वाहकारों और प्रबल वाहकारों, इन सभी से होता है, उपरोक्त सभी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, मानव को उसकी माता को अनुवांशिकता निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो मानव को उसकी माता को अनुवांशिकता निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो बीज कोष से प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये था 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा कठिन टाइप का क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड था आपके लिए। तो दोस्तों इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।